अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफी खान और सलमान गफूर। माशाल्लाह, हम ये न्यूज़ बुलेटिन में आ गए। जी आपने कड़क सा आपने यार अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने देखने वालों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए ना, सलाम लेना चाहिए। बिल्कुल सलाम आपने, तो ये सलाम ही लिया है आपने। हमारा पूरा नाम, मेरा शजरा नहीं आपने बता दिया पीछे से, मैं कहाँ से आया वो बताऊंगा, पिंड नहीं बता दिया। वो लोगों को खुद पता चलेगा जब आपकी लोग गुफ्तगु सुनेंगे, गंदी गुफ्तगु सुनेंगे तो लोग ये जो मेरा दोस्त है ना जी, ये राफे, आपने इसको खुद जज करना है और बताना कि ये लड़का कैसा है। ये भी तो बड़ा शरीफ सा लग रहा है। वही शरीफ, अल्लाह माफ करे। मैं आपकी हकीकत बयान करता हूं ना, आपको तकलीफ होती है भाई। आप हकीकत बयान, हम तो चाहते हैं लोग हमारी हकीकत बयान करें। वो देखो चुप करके बैठा हुआ है। देखें हकीकत क्या बयान करनी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। वो बरस के चले जाते हैं। गंजी चुड़ैल को आजकल बड़ी बड़ी बातें आ रही है। जिनके पास हकीकतें होती है ना वो फिर बयान कर देते हैं। यार क्या बात है, ये इन्होंने जर्नलिज्म किया है अभी नया नया। जॉन एलिया की नजायज लाल लग रहे हैं ये जनाब, अपनी जर्नलिज्म को ना दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो बता रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। शक्ल से पढ़े लिखे नहीं लग रहे ना ये। बिल्कुल लग रहे हैं, वो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा, वो अलग बात है। अच्छा मुझे ये आप ये बताएं कि 2023 का आगाज हो चुका है। जी जी, आपसे आगाज करूंगा, मुझसे भैया आपसे करूंगा। आप चले, मुझे सूर्य और निकम्मे लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 2023 के अंदर आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लाएं। मैं क्या चाहता हूँ यार, चेंजिंग तो बड़ी आने वाली है भाई, बड़ी आने वाली है, बड़ी आने वाली है। देखे कोई एक बताओ क्या इनको अपनी पता ही नहीं है, अपने चेंज क्या करना, चेंज क्या करना। अच्छा क्या मतलब, क्या ये मैं गरारी सेट लगा के बैठा हूँ चेंज करना है? जी बातें कर रहे हो यार, चेंज क्या करना है मेरे अंदर, क्या बैठेगा कोई, मैं क्या बताऊँ यार, मेरे अंदर का जो गंद है ना वो निकलने वाला है। बोला वो निकलने वाला है, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम नहीं जानते क्या चीज चेंज होने वाली है। नहीं जानते मैं यहाँ नहीं बता सकता क्या चीज चेंज हो रहा है भाई, आप बताना पड़ेगा। आपने कहा है, आपने पहले शुरू में बात की है कि शजरा ने सब क्यों नहीं बताया। हाँ। तो खुद अब लोग जानेंगे। अब देखो ना, आप ये जो देख रहे हैं, अब ये डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह की बात करते हैं। नहीं यार, लेकिन आप भाई आपसे बात करूं, ये देखिए इसको बोलने नहीं आ रहा। हम दोनों ने इससे पूछा कि क्या चेंज करना चाह रहे हैं, ये बड़ा गंदा है, ये इसको बोलना नहीं आ रहा। बताओ भाई क्या चेंज करना है। एक मिनट, एक छोड़ो, क्या आपने कैमरा मेरी चित्रोल करने के लिए आपने खोला है यार? और लोग भी बात कर रहे हैं। एक मिनट जी, इससे पूछा, एक मिनट सलमान, एक मिनट इससे पूछा कि क्या चेंज लाना चाहते हो। इसने कहा जी नहीं पता। सलमान आप बताओ क्या चेंजिंग लाना चाहते हो। मैं जो सबसे बेहतर चेंज अपने अंदर लेके आना चाहता हूँ वो है डिसिप्लिन। वो नहीं आएगा कभी। जिस दिन मेरे इस साल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है मेरी, कोशिश भी है, मेहनत भी करूंगा मैं, ताकि मैं अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आ सकूं। डिसिप्लिन जो है ना बड़ा जरूरी है। ये उड़ा रहा है मजाक मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बात करते? तुम्हारे अंदर है कोई शर्म नहीं आनी चाहिए यार। बात ये कि तुम लोगों को क्या पागल बना रहे हो तुम लोगों को यार, यहाँ बैठ के क्या मतलब यार तुम्हारे से बताया नहीं क्या? वो बता रहे क्या यार, वो क्या बता रहे हैं? तुम नहीं जानते सारी बातें यार। हंस रहे हो तुम उसकी बातों पे, हंस रहे हो तो मैं तुमने क्यों अभी रिप्लाई करो अभी। तुम जैसे लोग ना लोगों को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। ये हंसते रह जाएंगे और हम डिसिप्लिन में कहीं और निकल जाएंगे। हाँ डिसिप्लिन में ना, हाँ अभी एक घंटे बाद देखना कहाँ निकले होंगे भाई। ये अभी टाइम क्या हो रहा है अभी? दो बजे, साढ़े के तीन बजे, साढ़े तीन बजे आपको नजर नहीं आएंगे। देखो ना, आपने बात किया डिसिप्लिन की, आपको कम से कम माइंड में था ना कि यार कुछ चेंज आपके माइंड में क्यों नहीं था क्या? और दूसरा यार आप एक बात, सबसे बहुत जरूरी चीज, आपने रिजिड ना हो, सबसे बहुत जरूरी चीज जो मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी जिंदगी में ना अप्लाई कर और लेके आनी चाहिए वो है नमाज। इस वजह से मैं नमाजें ये नहीं कि पहले नहीं पढ़ता, लेकिन मैं उस रूटीन और रेगुलरिटी से नहीं पढ़ता, ठीक है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। एहसास भी बड़े बहुत सारे होते हैं, कभी कभी वक्त आता है कि आपका एहसास मुश्किल। उर्दू क्यों बोल रहे हो? ये माशाल्लाह जर्नलिज्म में ये यार, क्योंकि मैं अपने ना अपने प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं इस तरह प्रोफेशनल बनता चला जाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह खुशी होगी कि हमारा फ्रेम कट रहा है, मेरा फ्रेम कट। क्योंकि आज का जो दौर है ना, अगर मैं किसी से मदद के लिए बात करूंगा ना यार, मुझे तलबगार नहीं, वो बहुत डीप अच्छी करना चाहता, वो डीप हो जाएगा ज्यादा। मैं मदद लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं उसको अपनी मदद के लिए मैं उसे बुलाऊंगा ना, तो वो मेरी मदद नहीं करेगा। वो कहेगा यार अगर मैंने इसकी मदद कर दी ना, तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ यार। ये हम भाई आज दुनिया की सबसे बड़ी करते 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 दुनिया से इतना पीछे रह गए हैं ना, दुनिया से इतना पीछे रह गए जिसकी कोई हद नहीं है। आज हमारे पास अपना इस सिर्फ मादरे मिल्लत के अलावा
अपना सर झुकाने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए कोई दूसरा अड्डा नहीं है। बिल्कुल एक अड्डा है। आप जिस मर्जी सेक्टर में चले जाएं, जिस मर्जी जगह पे जाके काम कर लें, आप जब तक वहाँ पे उनके मुताबिक दो नंबरी नहीं करेंगे काम शाम उनके मुताबिक। यार हर अदारे में ऐसा है यार। आप तो माशाल्लाह देखे सलू भाई, मैं अदारे का नाम नहीं लेता जिस अदारे में आप काम कर रहे हैं। आपने कहा कि दो नंबरी होती है, आपके अदारे में भी होती है? ऐसा ही है, बिल्कुल होती है। आप बताएं भाई, आप भी कोई एक अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके अदारे में भी या आपकी पोस्ट पे या आपकी जिस ऑफिस में आप जाते हैं या जिस दुकान पे आप रहते हैं, वहाँ दो नंबरी हो सकती है? भाई होती है, हम करते नहीं है। ये बात हमें है कि हम होता सब कुछ है यार, तो अक्सर में क्या कुछ नहीं होता है। देखिए में जिंदगी गुजारे, खुशी से जिंदगी गुजारे, जब ज्यादा अल्लाह की जात ने देना है ज्यादा, फिर वो आपका एक अलग सिनेरियो होगा, आप अलग रूटीन में होंगे और इंशाल्लाह आप फिर देखिएगा उस जिंदगी के मजे क्या है। ये कोई फायदा नहीं है किसी दूसरे की किसी दूसरे की गाड़ी झूठ ली, ठीक है, रात को जी 2 बजे अब्बा जी सोए, उनकी गाड़ी निकाली, पेट्रोल फूक रहे हैं, दो चार दोस्तों को बिठाया हुआ, मैं ये थे, मैं वो थे, मैं फलाना, अंदर से टके में भी कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक यही से मिसाल देने लगा, मेरा एक दोस्त है, अभी कुछ देर पहले हम उसके घर गए, उसकी मैं मिसाल देने लगा, उसने पुमा के शूज एडिडास के शूज दिखा रहे हैं, नाइकी के दिखा रहा है, रिबॉक के यार इतना वो अभी किसकी बात कर रहे हैं? दोस्त है, दोस्त है, नाम नहीं लूंगा उसका, उसको पता है, ये सुन रहा होगा, हां सुन रहा होगा, उसको पता है भी आनी चाहिए। और वो जो ये जो बातें कर रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट होगी उसके ऊपर? खान साहब इम्प्लीमेंट होगी उसके ऊपर? देखें यार बात बिल्कुल जायज की इन्होंने, मैं इनका बड़ा मैं शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने यार हमारी नई जो जनरेशन है उनको बड़ी बातें सिखाई है कि यार ये जो है अपने बलबूते पे करो यार, फिर मजा आता है। माँ बाप बात पता क्या है ना, हम उस जनरेशन में से हैं कि जिनको यो 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 करके पाला हो, ठीक है, हमें जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन हमारे वालिदैन ने जो हमारी तरबियत की है ना हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस तरह की है कि हमें जिंदगी में हर स्टेज में लड़ने का तरीका बता दे कि किसी जगह पे आप कभी फंस जाए या कुछ हो जाए या आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें कोई मुसीबत आए कोई मुश्किल आए, आपको उसमें से निकलना कैसे है, आपको मायूस नहीं होना, आपको उस चीज में नहीं पड़ना कि यार वो इस तरह कर रहा है तो मैं भी इस तरह कर लूं। यार ये बहुत अच्छा बोलने लग गया बंदा। नहीं यार ये लड़का वाकई ना कोई इंटेलेक्चुअल बातें करने लग गया। अच्छा जी अब इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं और व्लॉग को खत्म करते हैं, और जाते जाते खान साहब सलमान भाई कोई अच्छा सा मैसेज जो आप समझते हैं कि 2023 में आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे? यार मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं वो ये करूंगा, सबसे पहले मैं अपने आप को बेहतर से, आपके पास 30 सेकंड है, मैं सबसे पहले अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं बेहतर से बेहतरीन हो जाऊंगा ना तो मेरे लिए हर चीज बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। थैंक यू। हाँ भाई आप अपने अंदर कौन सी चेंजिंग लाना चाहते हैं? यार चेंजिंग से बहुत है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खामियां होती हैं, ऐसा मेरे ख्याल है कोई बंदा है नहीं जिसके अंदर कोई खामी ना हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपस की बात है। तो यार कुछ चेंजिंग ऐसी है कि सच यार मैं क्या बताऊं कि अल्लाह का शुक्र हम किसी ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत में वैसी मुलविस नहीं है कि हमें उसको चेंज करने की, उसको बेहतर करेंगे अपनी लाइफ के, अपने आप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर करेंगे दिन ब दिन, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपग्रेड करें अपने आप को, और डेट्स ऑल के अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने की अपग्रेड करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें, बहुत जरूरी है, और जो उन्होंने आपको जिंदगी में जीने का ढंग सिखाया है ना उस पर चलने की कोशिश करें, और अल्लाह को हमेशा अपने साथ रखें, अल्लाह के अलावा कोई भी आपके ज्यादातर करीब नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी है। और जाते जाते मेरा मैसेज ये है कि भाई 2023 के अंदर आप एक तैयार करें कि आप अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जब उनका दिल दुखता है तो उनको हर्ट होता है, और उनके साथ साथ जब वो उनके दिल से आह निकलती है ना वो बहुत बड़ी वो दर्दनाक होती है। तो कोशिश करेंगे 2023 के अंदर सिर्फ एक अमल जो मैं समझता हूँ कि करना चाहिए कि अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाना। नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक ऐसी चीज है कि ये हमें बतानी नहीं चाहिए, हमें सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लोगों को ये हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो आप अपने अंदर क्या चेंजिंग लाना चाह रहे हैं 2023 के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।